लद्दाख में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। चीन के चरित्र और हरकतों को देखकर भारतीय सेना ने लैक पर अपनी तैयारी बढ़ा दी है। पूर्वी लद्दाख में तोपों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इस बीच भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी दिल्ली पहुंच गए हैं। हालात बिगड़ने के संकेत इस बात से मिल रहे हैं कि चीन की सेना पेंगोंग में फिंगर चार से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। चीन की सेना पेंगोंग में पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिंगर चार से हटने को चीन की सेना तैयार नहीं है। चुशुल में दोनों देशों के बीच चौथी कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। यह बातचीत 14 घंटे से ज्यादा चली थी। गलवान, हॉटस्प्रिंग्स और गोगरा से सैनिकों के हटने पर सहमति बनी थी। भारत की मांग है कि चीन के सैनिक इलाके से पूरी तरह से हटें।